एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार ये वीडियो काफ़ी दिन से अवेटेड है बिकॉज मेरे को कई सारे स्टूडेंट्स के ईमेल आए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आया है कि यार सप्लाई चेन में किसका स्कोप है, सप्लाई चेन का स्कोप है भी कैनेडा में कि नहीं है, कितना स्कोप है, सैलरी स्टार्टिंग क्या होगी एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम में। मतलब इतने सारे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, तो मैंने सोचा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कैनेडा की मैं सीरीज शुरू कर दूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये पहली वीडियो है, ये मेरी स्टोरी है, बाकी की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, स्कोप क्या है सप्लाई चेन का। तो सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज ये पूरी सीरीज़ होने वाली सप्लाई चेन के बारे में। सो अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए इससे रिलेटेड एंड आप मिस नहीं करना चाहते उस पार्ट को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आप जैसे कई स्टूडेंट और देख लें वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो मेरे बारे में होने वाली है क्योंकि मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही हम्बर कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कम्प्लीट किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। ये वीडियो के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मेरी स्टोरी क्या रही हम्बर कॉलेज में अप्लाई करने से पहले, बिकॉज क्योंकि जब मैंने हम्बर कॉलेज में सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। सो मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैंने सोचा था मेरी क्वालिफिकेशन मैच करती हैं एप्लीकेशन उनके क्राइटेरिया से एंड मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी था 1.5 साल का। सो मैंने सोचा कि यार चलो मेरा काम तो हो जाएगा क्योंकि मैंने सही टाइम पे अप्लाई भी कर दिए एंड उनकी रिक्वायरमेंट को मैच भी करता हूँ मैं, बट दे रिजेक्टेड माई एप्लीकेशन एंड आई वॉज लाइक ओ शिट। अब एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो ही गई थी पर मैंने सोचा यार कि चलो कोई बात नहीं, बट उनसे रीज़न पूछ लेता हूँ कि वाई डिड दे रिजेक्ट माई एप्लीकेशन, बिकॉज मेरा बहुत मन था सप्लाई चेन करने का। तो मैंने सोचा काश वो एक मेरे को रीज़न बता दें जो अगर मैं फुलफ़िल कर पाया तो मुझे वो रिकन्सिडर कर लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में नो बैकलॉग समरी नहीं मिली हमें। तो मैंने उनको मेल किया कि वॉज इट नेसेसरी, कहते यस इट वॉज एब्सोल्यूट नेसेसरी इवन दो यू हैव शोन अस दैट यू हैव कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन विद नो बैकलॉग्स बट स्टिल। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते तो आपका एप्लीकेशन हम दोबारा रिकन्सिडर कर लेते। फिर मैंने सोचा यार हार तो मैं ही मानने वाला नहीं, मैंने कहा एक बार और पूछ लेते हैं, क्या पता उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिकन्सिडर कर लेनी हो अगर मैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता हूँ। तो मैंने उनको मेल किया कि विल यू बी रिकन्सिडरिंग माई एप्लीकेशन अगर मैं आपको ये डॉक्यूमेंट नो बैकलॉग समरी वाला सबमिट कर दूँ। तो उनका आगे से रिस्पॉन्स आता है कि येस वी कैन, मेरी होप जागी दोबारा। तो मैंने उनको बोला बट उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास सीटें हुई बाद में तब रिकन्सिडर करेंगे आपको हम, तो आप सबमिट कर दो एक बार। तो मैं नेक्स्ट डे फटाफट ऑफिस से छुट्टी लेके भागा कॉलेज एंड 2-3 घंटे में वो डॉक्यूमेंट कॉलेज वालों ने मुझे बना के दे दिया था, मैंने उनको सबमिट कर दिया। उनका मेल आता है कि ओके थैंक यू फॉर सबमिटिंग दिस, अगर हमारे पास सीटें हुई तो हम आपको रिकन्सिडर कर लेंगे। तो अब आती है मेहनत का फल खाने की बारी। 17 डेज बाद जब मैंने देखा मेरे मेल बॉक्स में हम्बर कॉलेज से रिस्पॉन्स आया होता है और मैं बहुत खुश होता हूँ बिकॉज उस रिस्पॉन्स में लिखा होता है कि ओके हेलो अंकित खुराना, योर एप्लीकेशन फॉर सप्लाई चेन प्रोग्राम इन हम्बर कॉलेज हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन 2019 सितंबर इनटेक। आई वॉज लाइक येस आई डिड इट। सो ये टिप है, बोनस टिप है आपके लिए कि अगर आपकी एप्लीकेशन कोई कॉलेज रिजेक्ट भी कर देता है उससे एक बार रीज़न ज़रूर पूछ लो, क्योंकि मे भी हो सकता है अगर आप वो रीज़न फुलफ़िल कर पाओ, वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पाओ, तो आपकी एप्लीकेशन भी मेरी तरह एक्सेप्ट हो जाए और आप भी वो प्रोग्राम कम्प्लीट कर पाओ। बिकॉज एक स्टूडेंट बहुत होप्स लेके अप्लाई करता है कॉलेज में कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, तो मेरी हो गई। तो मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट कम्प्लीट भी कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने वो स्टेप उस टाइम ले लिया, वरना हो सकता था कि मैं वो चांस मिस कर देता और मेरा सपना अधूरा रह जाता हम्बर कॉलेज से सप्लाई चेन पूरा करने का। सो बस वीडियो के एंड में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये जो सीरीज़ है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कैनेडा की, ये आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ मैं, तो उसकी ये पहली वीडियो है। आगे आने वाली वीडियो में अगर आपको कंटेंट देखना है क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।